नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायसेन में बच्चों का मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट के बाद हथियार चले और दोनों ओर से आगजनी होने लगी। उत्पात कर रहे लोगों ने एक बाइक चला दी। हमले में करीब 50 लोग घायल हुए हैं। वहीं राजू नाम के युवक की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। रायसेन में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई है। वहीं आगजनी की घटना भी सामने आई है। इसी में 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज भोपाल के हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घायल को देखने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, मृतक परिवार को 5 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 35 गंभीर घायलों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में इंटरनेट झगड़े में हमारे कई जनजाति आदिवासी नौजवान घायल हुए हैं। एक की दुखद मृत्यु हुई है। जिनने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैंने एक एक पेशेंट को यहां देखा है। जो घायल हैं उनके संपूर्ण इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इलाज बेहतर हो इसके लिए मैं खुद देखने आया हूं। इलाज में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक दुखद मृत्यु हुई है राजू आदिवासी की और दो अभी गंभीर रूप से घायल है। जो गंभीर है हरी सिंह और रामजी भाई और एक नरेंद्र आदिवासी को आंख में गोली लगी है। इनका संपूर्ण बेहतर इलाज होगा। बाकी सबको भी चोटें लगी है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इलाज की व्यवस्था हो रही है। बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दुखद मृत्यु हुई है राजू आदिवासी के। मैं उनके परिवार को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी ताकि परिवार की गाड़ी ठीक से चलती रहे। परिवार के साथ सरकार खड़ी है। हरी सिंह और रामजी भाई ये गंभीर रूप से घायल हैं। इनको भी 2-2 लाख रुपए की सहायता मैं करूंगा। इनके इलाज की व्यवस्था निःशुल्क होगी ही। और वैसे ही नरेंद्र की आंख में चोट है इसलिए उनको परिवार को भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंख का यहां भी इलाज करेंगे। जरूरत पड़ी तो और कहीं भेज के इलाज करवाना पड़ा तो वहां भी हम इलाज करवाएंगे। बाकी जो घायल बताया जा रहा है कि 35 गंभीर घायलों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। गांव में 4 थानों की पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। घटना शुक्रवार रात सिलवानी थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ जथारी के पास ग्राम खमरिया पौड़ी की है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।